afternoon everyone, welcome back to my another vlog. If you are new here then don't forget to hit that subscribe button. So aaj ka vlog start kare. Aaj jo hai mujhe bahut sare kaam hai. Sabse pehle to mujhe jana hai specs ke liye. Mera jo specs tha wo site ka jo hai वो उसका स्क्रू निकल गया तो टूट गया तो वो ठीक करने देना जाना है. फिर मैं सोच रही हूँ क्यों ना लेंस कार्ड भी जाके आऊँ, दूसरे स्पेक्स भी देख लूँ मैं, क्योंकि आजकल मैं टोटली अंधी हो चुकी हूँ, नज़र नहीं आता है. मतलब रीडिंग ग्लास चाहिए एक्चुअली मुझे, मेन बहुत ज़्यादा फ़ोन पे रहती हूँ मैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले वहाँ चलते, फिर वहाँ से मैं कहाँ कहाँ जाने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ. तो चलिए चलते, स्पेक्स है उसके लिए आ गई हूँ तो यहाँ पर ठीक करने दिया है. देखते अभी बोला है कि इमीडिएटली करके दे देंगे, फिर उसके बाद मैं जाने वाली हूँ लेंस कार्ड. मैं अभी आ गई हूँ लेंस कार्ड के शॉप में. अभी यहाँ पर मुझे फ्रेम चूज़ करना है और उसके बाद जो है मेरा टेस्ट भी करना है, क्योंकि मेरा नंबर बढ़ चुका है तो इसलिए. तो पहले मैं फ्रेम चेक कर लेती हूँ. मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ और मेरी फ्रेंड ने कहा था कि बाई वन गेट वन फ्री है, लेकिन अगर आप यहाँ के मेंबर हो तो आपको मिलेगा वो चीज़. अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे मिलने वाला है. तो चलो पहले फ्रेम चेक कर लो. ये वाला ही कर दो. हाँ दूसरा क्या एक ही चाहिए आपका? आप बोल रहे हो नहीं मिलेगा ना, मेंबरशिप रहेगा आपके पास तो आप ले सकते. मेंबरशिप नहीं है ना, आप ले सकते हो ना मेंबरशिप. अच्छा ऐसा है. उसका मैम कॉस्ट आएगा 500. 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. मैं एक बार पूछ. अच्छा ऐसा है. तो जो गेट वन फ्री है उसमें फिर मेरे सेम लेंस. अच्छा लेकिन नहीं सेम लेंस नहीं, वो फिर मेरे भाई के लिए मैं कर लूँगी ना, चलेगा? पावर वो मैं पूछ लेती हूँ. ठीक है. सो इन्होंने मुझे अभी बताया है कि अगर आप मेंबरशिप लेती हो, मतलब 500 लेके मैं मेंबरशिप अगर ले लेती हूँ तो मुझे एक के बदले एक मिल सकता है. तो चलो वही कर लेते फिर. आई टेस्ट जो है यहाँ पर फ्री है तो अभी मैं वही करने वाली हूँ. तो यहाँ पर मेरा जो पहला वाला जो ग्लास है उसका नंबर वगैरह सब चेक हो रहा है. नंबर ही चेक करो ना. हाँ नंबर चेक करें, उस हिसाब से वो बताएंगे कि कितना नंबर मेरा बड़ा है. रीडिंग जो है वो बढ़ चुका है नंबर, मुझे तो पता ही था नंबर ऑलरेडी बढ़ चुका है. तो मैं वहाँ से निकल आई हूँ अभी. एक्चुअली हुआ क्या, वहाँ पर कहा है कि बिलिंग एक साथ ही करेंगे, तो एक के साथ एक फ्री है तो मेंबर बन चुकी हूँ. भाई को आना पड़ेगा तो आज मेरा भाई नहीं आ सकता है, तो वो कल आएगा तो बिलिंग फिर कल ही करेंगे बोले. मैंने मेरा फ्रेम पसंद कर लिया है, टेस्ट वगैरह भी कर लिया है. अब के मेरा भाई कल आएगा, पसंद करेगा चीज़, फिर उसके बाद दो दिन में उन लोग बना के दे देंगे. चलो अभी मैं निकल रही हूँ ओशिवारा के लिए. मैं मेरे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती हूँ तो वहीं जा रही हूँ. काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पर भी नहीं गई मैं, तो वो करवा लेती हूँ मैं जो आई वी लेती हूँ ना उसके लिए. चलते सीधा. जैसे कि मैंने कहा था कि डॉक्टर के पास जाना है तो वहाँ भी मैं पहुँच चुकी हूँ. अभी मैं यहाँ से निकल के सीधा मेरी फ्रेंड को पिक करूँगी, फिर मैं जाऊँगी वापस इरला. सो मैं मेरी फ्रेंड को पिक करने आई थी, पिक तो की नहीं. मेरा जो कार है वो मैंने पार्क यहाँ कर दी, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है ना वहाँ पर पार्किंग का प्रॉब्लम है. तो हम अभी पकड़ेंगे ऑटो. मुझे एक बहुत अच्छा लगा पीस, मैं करने वाली हूँ अभी ट्रायल इसका.
शाम का जो चाय है वो भी मैं यही पी ले रही हूँ दूसरों का मांग कर कब चलिए फिर भी लोग कुछ नहीं छोड़ते मांग मांग के मैं चाय पी रही हूँ चलो यहाँ का अभी हो गया है निकलते अभी यहाँ से आ चुकी हूँ वापस शॉपिंग वॉपिंग करके तो अब मैं यहाँ से गाड़ी उठाऊँगी और सीधा निकलूँगी घर के लिए नहीं घर के लिए नहीं शिवांगी का एक काम है वो करना पड़ेगा पहले ओह थक गई हूँ मैं सो मैं अभी जा रही हूँ गणेश जी की मूर्ति देखने के लिए मेरी फ्रेंड शिवांगी उसने मुझे एक काम सौंपा है उसके कार में गणेश जी आ नहीं पाएंगे तो इसलिए वो चाहती थी कि भाई मैं अपना कार भी दिखा दूँ शॉप वाले को अगर मेरे कार में आ सकते हैं वो तो उनको लेने के लिए मेरा कार ही जाएगा तो मैंने बोला मैं इस साइड हूँ तो चलो जाते वो काम भी कर लूँ सो मैं घर आके चाय पी फिर से फिर कपड़े वगैरह चेंज करके अब मैं निकल रही हूँ पार्लर जाने के लिए क्योंकि कल गणपति है और मैं गई हुई थी इरला शॉपिंग के लिए क्योंकि गणेश चतुर्थी है तो कुछ अच्छा तो पहनना पड़ेगा ना मुझे तो इसलिए मैं गई थी तो अभी मैं जा रही हूँ नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए और मैनीक्योर पेडीक्योर भी करना है तो चलिए जल्दी से वो कर लेते बहुत थक चुकी हूँ लिटरली आफ्टरनून से मैं सिर्फ भटक ही रही हूँ तो चलो जल्दी वो कर लेते गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10 मतलब आफ्टरनून से लेके अब तक मैं ये तामझाम करवा रही थी तो आज का व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ और सीधा मिलती हूँ फिर कल सो सी या